नवी मुंबई नेटवर्क। नवी मुंबई में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। आज भले ही नवी मुंबई में कोरोना संक्रमण नियंत्रण में है, मगर दिन ब दिन संख्या में इजाफा होता दिख रहा है। काफी दिनों से एक डिजिट पर रहे कोरोना के मरीजों के आंकड़े अब दो डिजिट और एक्टिव मामलों के आंकड़े अब तीन डिजिट तक पहुँच चुके हैं। 27 मई 2022 के आंकड़े के अनुसार नवी मुंबई शहर में 32 नए मरीजों के साथ शहर में एक्टिव मरीजों की संख्या 106 तक पहुंच चुकी है। ऐसे में लगातार बढ़ती संख्या के मद्देनजर अब नवी मुंबई मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर द्वारा सिडको प्रदर्शनी केंद्र में संचालित कोविड केयर सेंटर, जो इतने दिनों से बंद पड़ा हुआ है, उस कोविड केयर सेंटर का मनपा अधिकारियों ने फिर मुआयना कर आपातकालीन स्थिति में तुरंत बेड की व्यवस्था उपलब्ध करवाने की रणनीति बनाई है। गौरतलब है कि गए काफी हफ्तों से कोरोना संक्रमण से मृत्यु दर के शून्य होने के कारण जहां नवी मुंबई महानगर पालिका के लिए ये संतोषजनक बात जरूर है, परंतु मरीजों की बढ़ती संख्या चिंता भी जरूर खड़े कर रही है। यही कारण है कि आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अब नवी मुंबई मनपा आयुक्त पूर्ण तौर से तैयार हो चुके हैं। गौरतलब है कि नवी मुंबई शहर में अब तक आरटीपीसीआर जांच की कुल संख्या 13,93,064 दर्ज की गई है। वहीं एंटीजन टेस्ट की संख्या कुल मिलाकर 20,87,618 की गई है। वहीं कुल मिलाकर देखा जाए तो अब तक नवी मुंबई में कोविड जांच की कुल संख्या 34,80,682 तक पहुंच चुकी है। ऐसे में अब देखना यही होगा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आम जनता और खुद नवी मुंबई महानगर पालिका एहतियातन और क्या क्या रुख अख्तियार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क। Do you aspire to upgrade your living? With Arihant Advika, Sector 9, Vashi. Upgrade to iconic residential tower.